हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे अपन चैप्टर वन, वही यूनिट वन चैप्टर वन में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं अपन बेटा। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? देखेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बेटा अपना कोई आवेश है, ये अपना कोई आवेश है, ठीक। अब जैसे आवेश के आसपास का कोई भी क्षेत्र है, आवेश के आसपास का कोई भी क्षेत्र है, जैसे अपन जानते बेटा एक चुंबक होता है ना अपना, जैसे चुंबक का भी एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे अपन चुंबक से जब लोहे को चिपकाते हैं, लोहे के कणों को चिपकाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि अपन लोहे के कणों को बिल्कुल चुंबक के ऊपर रखते हों तब जाके वो चिपकते हों। जब अपन चुंबक से किसी लोहे के टुकड़े को पास लेके जाते हैं तो फटाक से आके चुंबक से चिपक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक की एक अपनी कैचिंग पावर होती है, चुंबक की एक जो अपनी कैचिंग पावर होती है, चुंबक का एक जो अपना क्षेत्र होता है, वहाँ तक वो लोहे के कणों को अपनी ओर सटासट सटासट आकर्षित कर लेता है और स्पीड से आके चिपक जाते हैं सभी लोहे के कण, है ना। तो बेटा चुंबक का भी एक अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी लोहे के टुकड़े पड़े होंगे वो सब चुंबक से आकर चिपक जाते हैं, तो वो क्षेत्र कहलाता है अपना चुंबकीय क्षेत्र। जैसे बेटा अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ही अपना विद्युत क्षेत्र भी होता है। विद्युत क्षेत्र में भी वही चीज़ है बेटा कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बताया बेटा मैंने, किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू होता है, E बराबर F अपॉन क्यू। और बेटा किसी भी फॉर्मूले से, किसी भी फॉर्मूले से अपन किसी की परिभाषा सुनाते हैं तो नीचे वाली चीज़ को हमेशा एकांक मान लेते हैं, नीचे वाली चीज़ को क्या मान लेते हैं, एकांक। तो Q को क्या बोलते हैं, आवेश, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एकांक आवेश। किसी भी फॉर्मूले से बेटा किसी की परिभाषा सुनाना है तो नीचे वाली चीज़ को हमेशा एकांक मान लेते हैं। तो बेटा अपन ने क्या मान लिया, एकांक आवेश। एफ पर फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ऐसी हो जाती है कि एकांक आवेश पर, एकांक एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक बेटा। देखेंगे अपन विद्युत क्षेत्र जो होता है बेटा अपना, विद्युत क्षेत्र अपनी एक सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र अपनी एक सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर, यानी सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र अपना। अब जब इसकी सहायता से अपन इसका मात्रक निकालना चाहें, फॉर्मूले की सहायता से अपन मात्रक निकालते हैं। देखना बेटा, जैसे फॉर्मूले में क्या है, एफ, एफ क्या होता है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फिर ये अपॉन लगा हुआ है तो अपन ने स्लैश लगा दिया, अपॉन लगा दिया। फिर नीचे क्या, आवेश, आवेश का मात्रक मैंने आपको समझाया था, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ रहा बेटा। जैसे विमीय सूत्र की बात करते हैं अपन, देखते जरा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बेटा इसी तीव्रता के फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे E बराबर F अपॉन Q, तो E हमारा बेटा ये है, F, F क्या है अपना, बल, बल का विमीय सूत्र मैंने आपको लिखाया था बेसिक जानकारी में, एम एल टी की घात माइनस टू। विमीय सूत्र में हमेशा कैपिटल लेटर बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, और बड़ा कोष्टक लगाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप इसका होता है एटी रखो। एफ का क्या होता है बेटा, एम एल टी की घात माइनस टू, आवेश, आवेश का क्या होता है बेटा, एटी। इसको सॉल्व करो बेटा विमीय सूत्र को, सबसे पहले एम वाला अक्षर ये है, सेकंड नंबर पे एल वाला ये है, थर्ड नंबर पर टी वाला। इस पे बेटा कोई घात नहीं है तो टी की पावर वन तो ऊपर जाएगी, तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन और माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस का थ्री।
ए पे कोई घात नहीं तो बेटा बन रहती है, जिस पे कोई घात नहीं रहती हमेशा बन रहती है, तो ए की पावर वन को ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर माइनस वन हो जाएगा। नीचे की संख्याओं को हमेशा ऊपर लेके जाती हैं तो घात बेटा माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भूमि सूत्र बड़ी आसानी से निकल के आगे बेटा एम एल टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। इस प्रकार से अपन बेटा भूमि सूत्र निकालते हैं फॉर्मूले से तो आसानी से निकल के आ जाता है बेटा, अन्यथा इन भूमि सूत्रों को बच्चे रटते रहते हैं और सबके भूमि सूत्र बेटा एक जैसे होते हैं, वही एम एल टी के रूप में होते हैं, बस केवल बेटा घातें चेंज हो जाती हैं। इसलिए अपन ऐसे करके भूमि सूत्र निकालते हैं तो कभी गलत होने के चांस नहीं होते हैं। वैसे बेटा क्या है, ये घातें केवल चेंज होती हैं, सब इसी फॉर्म में रहते हैं बेटा, इसलिए हमेशा फॉर्मूले से भूमि सूत्र को निकालना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? तो सिंपल सी बात थी बेटा, पहले क्या था अपना कि विद्युत क्षेत्र अपना किसे, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो बेटा सिंपल से मैंने प्रश्न बताई आपको कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू बटा, तो नीचे वाले को एकांक मान लो, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और विमीय सूत्र बेटा अपन इस प्रकार से ऐसे करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ क्लास में बनी रही है, हमेशा रेगुलर पढ़ते रहिए फिजिक्स। हाँ देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। देखेंगे बेटा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो बेटा वेरी सिंपल है, क्या होता है अपना विद्युत फ्लक्स, इसको देखेंगे। कोई भी जैसे अपना पृष्ठ है, कोई भी अपना क्षेत्रफल है, कोई भी अपना बेटा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के अभिलंबवत ये 90 डिग्री का कोण, तो मतलब लंबवत ये अपनी बल रेखाएं, तो परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा विद्युत फ्लक्स की, कि किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितने प्रकार का होता है बेटा विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स अपना दो प्रकार का होता है, एक होता है अपना धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा होता है अपना ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। दो प्रकार का होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। देखेंगे जरा कैसे होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, इनकी परिभाषाएं क्या हो जाएंगी धनात्मक विद्युत फ्लक्स की और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की। डायग्राम से बता रहा हूं मैं आपको,
ये बेटा अपना विद्युत फ्लक्स का डायग्राम बन गया, क्षेत्र विद्युत फ्लक्स, बोर्ड पेपर में भी आपको बनाना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स बल रेखा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, तो ये मैंने बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर बना दी। अब बात करते हैं बेटा कि मैंने बताया फ्लक्स अपना दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो पहले अपन धनात्मक देखेंगे, ये अपना बेटा धनात्मक। तो किसी पृष्ठ से, पृष्ठ को इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, इसलिए मैंने इसका एस वन नाम दे दिया, एस फोर सरफेस, ये अपना दूसरा वाला है, तो एस टू ये दूसरा वाला सरफेस है बेटा। तो सरफेस को अपन हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। तो ऐसा आंसर लिखेंगे, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही बल रेखाएँ, यदि किसी पृष्ठ से बल रेखाएँ बाहर की ओर जा रही होती हैं। देखो बेटा जी, एरो क्या बता रहे हैं, बल रेखाएँ इस पृष्ठ से कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही बेटा। तो किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही बल रेखाएँ, यानी जो रेखाएँ बाहर की ओर जा रही होती बेटा, तो पृष्ठ होता है अपना धनात्मक विद्युत फ्लक्स। कैसा? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जो रेखाएं जा रही होती हैं, तो उस पृष्ठ का नाम पड़ जाता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। इस स्थिति में बल रेखाएं बेटा अपसरित होती हैं। अपसरित का मतलब होता है फैलना। अपसरित का मतलब क्या होता है? फैलना। देखो बेटा जी, बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर निकलती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही हैं, तो बल रेखाएं क्या होती हैं? अपसरित होती हैं बेटा। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है कि पृष्ठ पर अंदर की ओर जो बल रेखा आ रही होती है, देखो बेटा ये एरो बता रहे हैं कि पृष्ठ पर कहाँ आ रही हैं बल रेखाएं, अंदर की ओर आ रही होता है। जब बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती हैं, तो पृष्ठ हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, माइनस लगा हुआ है ना, तो पृष्ठ हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। इस स्थिति में बल रेखाएँ अभिसरित होती हैं। अभिसरित का मतलब होता है बेटा एक बिंदु पर आती हैं। अभिसरित का मतलब एक बिंदु पर आती हैं, क्योंकि देखो बेटा बल रेखाएं ये कहाँ पर आ रही हैं, एक बिंदु पर बल रेखाएं आ रही हैं। बात बेटा समझ में आ रही है? तो अपन यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन चल रहा था अपना विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स हमारा दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। तो इसमें ऐसा लिखेंगे, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं, तो पृष्ठ हमारा धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। और यदि किसी, और इसमें बल रेखाएं अपसरित होती हैं, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती हैं, तो पृष्ठ हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। इस स्थिति में बल रेखाएं अभिसरित होती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर आती हैं। बात बेटा समझ में आ रही है? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा अपना, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। और एक और क्वेश्चन इसके बाद, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखेंगे बेटा, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव किस क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव ऐसा मान लो बेटा कि दो बराबर के आवेश होते हैं। क्या होते हैं? दो बराबर के आवेश।
यानी एक अपना प्लस क्यू और एक अपना माइनस क्यू। तो दो बराबर के आवेश परंतु विपरीत, यानी एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो दो बराबर के आवेश परंतु विपरीत चिन्ह के, या विपरीत आवेश, जब एक दूसरे के पास पास में रखे होते हैं, जब एक दूसरे के पास पास में रखे होते हैं, तो इस निकाय को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा विद्युत ध्रुव? दो समान आवेश परंतु विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। जब दोनों एक दूसरे के पास पास में रखे होते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव में अपन सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ओ बेटा। प्रत्येक डेरिवेशन करेंगे अपन इस चैप्टर के, विद्युत के जितने भी डेरिवेशन करते हैं अपन, सब में इस विद्युत द्विध्रुव की जरूरत पड़ती है बेटा, तो इसको ध्यान से सीखना है। इसमें सेंटर पॉइंट को अपन ओ मानते हैं, और सेंटर पॉइंट से बेटा, सेंटर पॉइंट से प्लस क्यू आवेश तक की, और ए बी इसका अपन नाम दे देते हैं, ए बी अपना एक विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं अपन। और सेंटर पॉइंट से बी बिंदु तक की दूरी अगर एल होती है, तो सेंटर पॉइंट से ए बिंदु तक की दूरी भी एल ही होती है। तो बेटा ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो ये अपना 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी अपना 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 2 और 2 कितने मीटर का हो जाएगा? 4 मीटर का हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा ये अपना एल है और ये अपना एल है, तो लंबाई को अपन जोड़ दो, एल प्लस एल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। तो विद्युत द्विध्रुव की जो टोटल डिस्टेंस होती है बेटा, वो 2L होती है। 2L यानी इसकी कुल लंबाई को बोलते हैं अपन प्रभावकारी लंबाई या प्रभावी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई या प्रभावी लंबाई। और क्यू को तो बेटा आप जानते हो, क्यू को तो अपन आवेश बोलते हैं। तो क्या है अपना विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो दो समान आवेश परंतु विपरीत चिन्ह के या विपरीत आवेश, जब एक दूसरे के पास पास में रखे होते हैं, तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मैंने समझाया अभी आपको, सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, एल दूरी, तो टोटल लंबाई होगी 2L, तो उसको प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा अपन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। आगे क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन पी से नोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे नोट करते हैं? पी से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू टू एल। क्यू को बोलते हैं अपन आवेश, और 2L को बोलते हैं अपन प्रभावकारी लंबाई। यहाँ देखेंगे बेटा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ऐसी हो जाएगी कि विद्युत द्विध्रुव में, ये बनाए अपना विद्युत ध्रुव, विद्युत द्विध्रुव में किसी भी आवेश का गुणा, विद्युत द्विध्रुव में किसी भी आवेश का गुणा उसकी प्रभावकारी लंबाई से कर दिया जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। क्या बताया बेटा मैंने आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ध्यान से सीखो। ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर की प्रत्येक डेरिवेशन में लगता है, तो इसको ध्यान से सीखना बेटा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो यहाँ देखेंगे अपन कि अपना विद्युत द्विध्रुव ना हो, तो विद्युत द्विध्रुव में किसी भी विद्युत द्विध्रुव में आवेश, क्यों को बोलते हो आवेश, आवेश का गुणा उसकी प्रभावकारी लंबाई से कर दिया जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बेटा फॉर्मूला हो जाता है पी बराबर क्यू इंटू 2L। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपन इसका मात्रक निकालते हैं और विमीय सूत्र निकालते हैं। तो जैसे मात्रक की बात करते हैं बेटा, मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू यानी आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। मैंने आपको सिखाया था ना, आवेश का मात्रक कूलम इंटू 2L। 2L क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। आगे देखेंगे बेटा, अब जैसे अपन विमीय सूत्र की बात करते हैं, तो विमीय सूत्र भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। हेडिंग डालते हैं विमीय सूत्र,
विमीय सूत्र बेटा इसी फॉर्मूले से निकालेंगे अपन, P बराबर Q इंटू 2L से, P बराबर Q, Q का फॉर्मूला AT आप तो सीख चुके होगे, कई बार लग चुका बेटा, 2L यानी लंबाई, तो लंबाई का क्या हो जाएगा L, P हमारा बेटा ये है 2 तो विमाहीन राशि है, कांस्टेंट संख्या को छोड़ देता हूँ, तो 2L अपनी यहाँ पे क्या टोटल लंबाई, तो लंबाई का बेटा L होता है, केवल मैंने आपको सिखाया था। अब जैसे विमीय सूत्र को सेट करते हैं, सबसे पहले M वाला अक्षर, या तो M वाला नहीं है तो छोड़ दो उसको, सेकंड अक्षर को सेट कर लो, और फिर भी अगर M वाले को लिखना चाहते तो मैंने आपको सिखाया था जो अक्षर नहीं होता उस अक्षर के ऊपर जीरो घात लगा कर लिखते हैं, तो M पे पावर जीरो हो गया। दूसरा अक्षर L वाला, तो L वाला हमारा है। तीसरा अक्षर T वाला, तो T वाला हमारा है। जो बचता है उसको आखिरी नंबर पर लिख दो। तो जी बेटा अपना विमीय सूत्र हो गया एम पे पावर जीरो एल टी ए, ये अपना विमीय सूत्र हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ा करो, है ना, ऑफलाइन में ऑनलाइन में अंतर होता है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो सबको समझ में आएगा। मैंने आपको पूरा समझाया विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसमें समान परिमाण के आवेश होते हैं परंतु विपरीत होते हैं, समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे के पास पास में रखे होते हैं तो विद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। बात बेटा समझ में आ रहा है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो भी मैं आपको थ्योरिकल क्वेश्चन बेटा समझा रहा हूँ, मेरे ऐप पे सबके नोट्स डले हुए हैं, जब भी आपको इनको पढ़ने के बाद वीडियो देखने के बाद याद करना है या रिवीजन करना है तो मेरे ऐप पर नोट्स वाला फंक्शन खोल के और उसमें सारे नोट्स डले हुए हैं, आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको कॉपी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऐप पर सभी नोट्स आपको मिलेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में जाकर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके थैंक्स।